मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन नए साल के बाद से तापमान काफी हद तक बढ़ने लगा है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को काफी हद तक ठंड से निजात भी मिली है। तस्वीर आपके सामने है, मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग आपको दिख रहे हैं। हालांकि ठंड का कहर जारी है, लेकिन फिर भी तापमान बढ़ने से ठंड से राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी जरूर दी है कि 6 जनवरी से तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल ठंड में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी देवांशु मल्होत्रा हमसे जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। देवांशु, आप वहां पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं तापमान में जरूर जो गिरावट लगातार दर्ज की जा रही थी वो अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों को राहत जरूर है। देखिए बिल्कुल गुरांची, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन पिछले 2 से 3 दिन से दिल्ली वासियों को सर्दी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल की बात करें तो दिल्ली एनसीआर का तापमान करीब 13 डिग्री के आसपास बना हुआ है और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 18 से 19 डिग्री के आसपास बना हुआ है, और यही वजह है कि लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। इसके साथ साथ कोहरे की बात करें तो आज दिल्ली एनसीआर में कोहरा काफी कम देखने को मिला, विजिबिलिटी काफी अच्छी खासी देखने को मिली, क्योंकि सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं, अच्छी खासी धूप निकली हुई है और यही वजह है कि विजिबिलिटी आज काफी अच्छी दिखाई दे रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि आखिर कितनी अच्छी खासी धूप निकली हुई है और इसी तरीके की तस्वीर सुबह से ही देखी जा रही है। हालांकि पिछले एक हफ्ते की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में धूप काफी कम थी, इसकी वजह से कोहरा काफी ज्यादा था, विजिबिलिटी काफी कम थी, लेकिन पिछले 2 दिन से ऐसा देखा जा रहा है कि धूप अच्छी खासी निकली हुई है और कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन गौरांशी, ऐसा भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो दिल्ली के आउटर इलाके हैं या फिर खुले इलाके हैं वहां पर अभी भी जो कोहरा है वो लगातार लोगों को सता रहा है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो आउटर के इलाके होते हैं या फिर एक्सप्रेसवेज होते हैं, हाईवेज होते हैं, वहां पर कोहरा काफी ज्यादा होता है और उसकी वजह से सड़क यातायात पे काफी असर पड़ रहा है। रेल यातायात की बात करें तो उस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पहुंचने वाली करीब 19 ऐसी ट्रेनें हैं गौरांशी जो काफी लेट चल रही हैं। औसतन की बात करें तो करीब 4 से 5 घंटे की देरी से कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि दिल्ली पहुंच रही हैं, चाहे वो भुवनेश्वर राजधानी हो। गौरांशी, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले करीब 10 दिन से मैं खुद रेलवे कवर कर रहा हूं और भुवनेश्वर राजधानी ऐसी है जो कि पिछले 7 दिन या फिर 8 दिन से जो है 5-5, 6-6 घंटे की देरी से चल रही है। आज की बात करें तो भुवनेश्वर राजधानी करीब 7 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंच रही है, तो कुल मिला के न केवल सुपरफास्ट गाड़ियां, एक्सप्रेस गाड़ियां, बल्कि जो राजधानियां होती हैं रेलवे की शान कहलाई जाती हैं, लेकिन वो भी 7-7 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ बिहार और बंगाल की तमाम जितनी फेमस गाड़ियां हैं, चाहे वो महाबोधि एक्सप्रेस हो, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हो, सभी का यही हाल है। मेरे पास पूरी लिस्ट है और इसके जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा गौरांची। करीब सचखंड की बात करें तो करीब 6 घंटे की देरी से चल रही है। इसके साथ साथ भुवनेश्वर राजधानी मैंने आपको बताई 7 घंटे की देरी से चल रही है। इसके साथ साथ पुरुषोत्तम की बात करें तो इसका भी यही हाल है, 2 से 3 घंटे। महाबोधि 2 से 3 घंटे, रीवा 2 से 3 घंटे। इसके साथ साथ पूर्वा की बात करें तो ये भी 3 घंटे के आसपास लेट चल रही है। विक्रमशिला काफी अच्छी गाड़ी है, भागलपुर जाती है, इसका भी यही हाल है, 2 से 2.5 घंटे की देरी से चल रही है। तो कुल मिला के बिहार से जो गाड़ियां दिल्ली पहुंचती हैं वो काफी देरी से चल रही हैं, तो कुल मिला के कोहरे का प्रकोप अभी भी रेल यातायात पर लगातार पड़ रहा है। ये ऐसी गाड़ियां हैं जो कि दिल्ली पहुंच रही हैं वो लेट चल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें यहां पर दिखे जिनकी गाड़ी दिल्ली से ही काफी लेट चल रही है। इधर आइए भैया, आप बता रहे थे मुझे, तो कुल मिला के गौरांशी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। आपसे अभी मेरी बातचीत हो रही थी, आपकी कौन सी गाड़ी है, कितने बजे आनी थी और आप कितने बजे आ रही है? जन शताब्दी एक्सप्रेस है, वो 6:25 में से बोल रहा है 2 बजे तक आएगी, अभी तक वो गाड़ी अभी तक नहीं कंफर्म बता रहा। 6 बजे आनी थी, 6:25 पे आनी थी, अब 2 बजे आएगी? हाँ, वो बता के फिर पूछताछ वाले बोला कि नहीं अभी गाड़ी रद्द है, अब नहीं आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं अब नहीं आएगी? हाँ, तो बोल रहा है 6 बजे मैं बैठा हूँ इधर। हाँ। अभी तक आप बोलता है कि नहीं अब गाड़ी नहीं है। कहाँ जाना है जन शताब्दी से आपको? मैं जा रहा हूँ कोडरमा जी। कोडरमा, हाँ जी। अपने भैया को बुलाइए, वो भी कुछ बता रहे थे आनंद विहार स्टेशन से। इधर आइए भैया, इधर आइए।
तो कुल मिला के गोरांची इन्होंने अपनी स्थिति बताई कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर पहुंचे हैं। जय देवाशी, इस वक्त अगर स्थिति की बात की जाए तो कह सकते हैं कि ठंड की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए देवांशु।